हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। फ्रेंड, पीएससी मेंस की परीक्षा रद्द हो चुकी है। ये फ्रेंड किस स्टेट में हुई है, काफ़ी स्टूडेंट अभी एमपीपीएससी मेंस भी होने वाला है। आरएएस का मेंस तो काफ़ी लेट होगा, यूपीपीसीएस का भी मेंस चल रहा है, तो किसकी परीक्षा ये रद्द हो गई है। ये वीडियो में थोड़ा लेट बना रहा हूँ फ्रेंड, 2 दिन पहले की न्यूज है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें ये न्यूज है, आप इंतजार कर रहे हो जो भी स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट अभी ये 23 जुलाई से एमपीपीएससी का मेंस है। तो फ्रेंड्स, ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 हो रहे हैं, ये 18 अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अभी रोक लगी थी, लेकिन 18 जून से ये मेंस की परीक्षा स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड्स, ये क्यों रद्द हुआ है, फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ था, जो हिंदी पेपर होना था हिंदी का, लेकिन बांट फ्रेंड निबंध का पेपर दिया, तो ये हुआ तो एक जगह पर था, लेकिन पहले तो आयोग इसको एग्जाम के पेपर को, मतलब दोनों पेपरों को कैंसिल नहीं कर रहा था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ने, ये आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया कि पेपर आउट हो चुके हैं। तो आयोग ने अभी दोनों जो पीएससी मेंस होने वाले हैं, यूपीपीएससी मेंस, उसकी परीक्षा रद्द कर दी है। तो ये अच्छा है, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे हमारे जो आयोग हैं परीक्षाओं के, उनका थोड़ा जो पारदर्शिता उनमें थोड़ा सा कम, ऐसा लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ी थोड़ा सा हो जाता है, कुछ ना कुछ लापरवाही, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड काफ़ी स्टूडेंट तैयारी, क्योंकि फ्रेंड पेपर पेपर का भी काफ़ी अंतर हो जाता है स्टूडेंट के लिए। हो सकता है किसी स्टूडेंट को कोई पेपर अच्छा बने, कोई नहीं बने, किसी निबंध पर आपकी पकड़ हो, किसी पर नहीं हो, तो आपको तो आपकी तैयारी पर फ्रेंड्स काफ़ी असर पड़ता है। तो ये ऐसी आयोग को गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। फिर भी फ्रेंड्स देखिए, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, और जो भी पीएससी होने वाले उनमें भी ये गलती हो सकती है, क्योंकि आदमी गलती तो हो जाती है फ्रेंड्स। फिर भी काफ़ी, मतलब पेपर बांटते समय काफ़ी पेपर देख लेना चाहिए, थोड़ा जागरूक रहना चाहिए कि काय का पेपर है, कौन सा पेपर है, कहीं हम गलत तो पेपर नहीं ला रहे ले जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड स्टूडेंट पे तो काफ़ी असर पड़ता है। तो ऐसी गलतियों से आयोग को भी बचना चाहिए। और तो ठीक है दोस्तों, आप सभी तैयारी करते रहें, जिनका भी मेंस होने वाला है, मेंस हो रहा है, सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाइए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।